चार चीज़ों में शर्म ना करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य रखने की क्षमता है, उसके पास हर समस्या का समाधान खोजने की क्षमता है। आप भी जरूर कामयाब होंगे अगर आपके बहाने कम और प्रयास ज़्यादा होंगे। एक मिनट में कभी ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति समझदार होता है, वो खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लोगे तो रहना सीख जाओगे। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है और ना ही आखिरी बार खुद नहा पाता है। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया मुझे, पर हम समझते रहे कि लोग हमें पसंद करते हैं। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है, ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, तेरी क्या हस्ती है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। फकीर मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूँ। लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। जो इंसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहाड़े होते हैं, कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। अगर घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ करने का आनंद पूरे जीवन रहेगा। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है, एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। अगर जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ रहम कर ऐ जिंदगी, जरा सवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। किसी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस ना करे,
कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वो कोई न कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हो अगर तेज बारिश में भी तो भी हमारे आंसू पहचान सके। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, तभी तो मामले सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, न कोई तकिया न बिछौना होगा, साथ होंगी दोस्ती की यादें और शमशान का एक कोना होगा।